हे पीपल व्हाट्सअप, दिस इज प्रतीक। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको अभी आईफोन 7 खरीदना चाहिए। आईफोन 7 जो 29,000 का अवेलेबल है, तो क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में आईफोन 7 है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट फ़ोन है अभी इतने प्राइस रेंज में। अगर आप चाहते हो कि आपको एक आईफोन खरीदना है, तो 30,000 के अंदर एक सबसे बेस्ट डील आपके लिए होगा, वो आईफोन 7। तो इसको ख़रीदोगे आप तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सब फीचर मिल जाते हैं, एंड ये बहुत ही कमाल का फ़ोन है। एंड इसका जब से प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो डेफिनेटली ये बेस्ट डील हो गया है। तो आईफोन 7 की बात कर ले कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको 4.7 इंच का रेटिना HD डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको। अब इसके कैमरा का बात कर ले तो इसका जो बैक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपको ये बहुत ही अच्छा फोटो लेके देगा। इसका आपको वाइड एपरेचर इसका 1.8 मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, 5x डिजिटल जूम मिल जाता है, एंड HDR फोटो भी ये सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है कैमरा इसका इस प्राइस रेंज में, अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हो तो। सेल्फी कैमरा इसका 7 मेगापिक्सल का मिल जाता है। आईफोन 7 एप्पल का पहला फ़ोन है जिसमें वाटर रेसिस्टेंट, कहने का मतलब है IP67 सबसे पहले आईफोन 7 में ही लॉन्च हुआ था, तो आपको इसमें वाटर रेसिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी का बात कर ले तो इसमें आपको टच आईडी मिल जाता है, इसमें कोई आपको फेशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, इसमें आपको टच आईडी से ही काम चलाना पड़ेगा, जो कि परफेक्टली फाइन है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद आपको इसमें 810 फ्यूजन चिप देखने को मिल जाता है, साथ में आपको कोई न्यूरल इंजन वगैरह नहीं मिलता है जो आईफोन 10R या फिर आईफोन 10S में देखने को मिलता है। तो सिर्फ 810 चिप मिलता है, जो कि परफेक्टली फाइन काम करता है। इस प्राइस रेंज में आपको एक बहुत ही बेस्ट फ़ोन मिलने वाला है 29,000 रुपये। आप ये सोच रहे हो कि 29,000 रुपये में ये फ़ोन सही से काम करेगा, नहीं, ये 3 साल पुराना फ़ोन है, तो नहीं। अभी भी आप अगर 30,000 में फ़ोन लेते हो तो ये 2 साल आप अच्छे आराम से निकाल सकते हो। इनफैक्ट इसका जो अपडेट्स आता है, iOS 13 आया है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। iOS 13 मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो उसको। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं इसको अभी भी iOS 13 बीटा वर्जन पे यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी ये परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्राइस एप्पल का आपको सिर्फ यही फ़ोन लेना चाहिए, आपको इसके नीचे नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 6S, SE, आपको ये सब फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया है, इसका चिप भी बहुत पुराना हो गया है। एंड द अदर थिंग कि वो आप अगर अभी खरीद लोगे तो नेक्स्ट ईयर उसका सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा कंपनी की तरफ से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होगा कि आपको 6S अगर आप खरीदते हो तो उस पर आपको वाटर रेसिस्टेंट नहीं मिलता है, A9 चिप मिलता है। SE खरीदते हो तो सेम ही आपको मिलता है, वाटर रेसिस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ आपको एक ही फ़ायदा मिलने वाला है, वो क्या है, 3.5mm का जैक, और कुछ भी नहीं। आईफोन 7 ही वो फ़ोन है जब से एप्पल ने 3.5mm का जैक हटा दिया था, तो इसमें आपको 3.5mm का जैक का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अगर अभी तक का सबसे बेस्ट डील माना जाए कि 30,000 रुपये में अगर आप आईफोन 7 खरीद ले फ़ोन लेना चाहते हो एप्पल का, तो डेफिनेटली गो फॉर आईफोन 7। ये परफेक्ट काम करने वाला है आपके लिए, इसका सब कुछ बहुत ही अच्छा है, एंड ये बेस्ट डील में आपके लिए। इसका MRP 30,000 है। इनफैक्ट अगर आप वेट करोगे तो आपको कुछ दिनों में और भी कम में मिलने वाला है ये ऑनलाइन, जैसे कि बिग बिलियन डे हो गया या फिर अमेजन का ग्रैंड सेल डे हो गया, तो इसमें आप कभी भी इजिली और 2-3 हज़ार का कैशबैक वगैरह या इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, आप गो फॉर आईफोन 7 अगर आपको 30,000 के बजट के अंदर में फ़ोन खरीदना है तो। ओके सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।